को बेहद गौरवशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे आज इस शुभ दिन पर आप सभी के समक्ष शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो मैं पृथ्वीराज चौहान को श्रद्धांजलि देना चाहूंगी, जो चौहान वंश के महान योद्धा थे और जिनका नाम हमेशा ही इतिहास के पन्नों में उनकी बहादुरी के लिए दर्ज रहेगा। अब मैं अपनी बात को श्लोक के साथ शुरू करना चाहूंगी। विद्या ददाति विनयम् विनयाद्याति पात्रता पात्रतात् धर्मापनोति धनात् धर्म तत्सुखम्। इस श्लोक का साधारण से शब्दों में यही अर्थ है कि शिक्षा किसी भी मनुष्य का मूल आधार है। शिक्षा से मनुष्य का न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास होता है। शिक्षा से किसी भी इंसान की सोच में बदलाव आता है। हमारे संविधान में भी शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है। जहाँ एक तरफ हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है, वही दूसरी तरफ हमारी सरकार मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे न जाने कितने ही स्कीम्स चला रही है, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता फैले और छोटे से छोटे गांव, गरीब से गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जा सके। आज मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी होती है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में वाकई बेहद जागरूक हो रहे हैं। तभी तो आए दिन हम अखबार में यह खबर पढ़ते हैं कि कहीं किसी रिक्शे वाले का बेटा आईएएस अधिकारी बन गया, तो कहीं किसी झोपड़ी में रहने वाले की बेटी डॉक्टर। ये वाकई काबिले तारीफ है। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी होती है कि आज हम शिक्षा के क्षेत्र में बेहद तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, परंतु यह बताते हुए बेहद दुख भी कि अभी भी हमारे देश में लगभग 26% लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं और हमारा बिहार अभी भी शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य है। मुझे यह बताते हुए बेहद दुख होता है कि हमारे यहाँ के एक भी विश्वविद्यालय दुनिया के टॉप 300 विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं है। बजट 2020-21 के अनुसार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र पर 99,300 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। परंतु एक छात्र होने के अनुसार मेरा सरकार से यही निवेदन है कि सरकार शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसे बदलाव लाए और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि हमारे भारतवर्ष की यूनिवर्सिटीज भी विश्व के टॉप यूनिवर्सिटीज में गिना जाए और हम शिक्षा के क्षेत्र में भी दुनिया के अन्य देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। साथ ही मैं यहाँ बैठे आप सभी अभिभावकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप भी अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, अपने बेटे और बेटियों में कोई फर्क ना समझें, दोनों को सही समय से उचित शिक्षा ग्रहण करवाएं, ताकि कल को बड़े होकर इनमें से ही कोई डॉक्टर तो कोई आईएएस, कोई आईपीएस अधिकारी तो कोई इंजीनियर, तो कोई पायलट बनकर हमारे गाँव का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करे। किसी ने क्या खूब कहा है कि जरूरी नहीं कि रोशनी सिर्फ चिरागों से हो, जरूरी नहीं कि रोशनी सिर्फ चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। धन्यवाद। हेलो, आप राजेश कुमार सिंह शिक्षक गायन की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित।